वेलकम बैक गाइज। तो कैसे हैं आप लोग? सो गाइज, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस कर रहे होंगे Asus TUF F15 की हर स्पेसिफिकेशंस, प्राइसिंग, लिस्टिंग और एवरीथिंग। सो गाइज, मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल एंड। और एक छोटी सी और बात कि आप लोग यार वीडियोस देखते हो बट यार सब्सक्राइब नहीं करते यार, थोड़ी सी मेरे को अच्छी नहीं लगती। प्लीज़ यार अपने भाई के प्रति थोड़ा सा प्यार दिखाओ यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट्स लाते रहे। सो गाइज चलो स्टार्ट करते हैं। मैं रोहित और आप देख रहे हैं टेक रोहित। तो भाई बातों को दिल पर नहीं लेने का, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीपीयू के बारे में। तो यार सीपीयू में आपको देखो तो इंटेल की तरफ से आने वाला इंटेल i5 10th जनरेशन देखने को मिल जाता है विद 4 कोर्स 8 थ्रेड्स। और इसमें जो क्लॉक स्पीड है वो 2.5 टू 4.5 गीगाहर्ट्ज़ तक बूस्ट हो सकती है। और अगर कैशे की बात करूँ तो 8 MB की कैश है। गाइस अगर इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो यार मैंने एक वीडियो बनाई है, आई लिंक पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। इंटेल वर्सेस AMD है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ उसको एक बार जरूर देखना। एंड गाइस अगर बात करूँ मैं जीपीयू की तो यहाँ आपको GTX 1650 कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है अलॉन्ग विद GDDR6 एंड 4GB ऑफ VRAM। एंड गाइज अब बात करते हैं यार कुछ स्टोरेज और अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शंस की। तो इसमें आपको 8GB रैम देखने को मिल जाता है जो कि DDR4 पे बेस्ड है। गाइज इसमें रैम के लिए आपको दो पोर्ट्स मिलते हैं जो कि 32GB तक अपग्रेड हो सकती है, तो इसमें आप इजीली दूसरे रैम को फिट कर सकते हो। एंड यार स्टोरेज ऑप्शंस की बात करूँ तो इसमें आपको 512GB की SSD मिल जाती है। अगर आपको अपग्रेड करना हो तो पहले आपको इस SSD को रिमूव करना पड़ेगा, देन आप कोई नया SSD इंसर्ट कर सकोगे। एंड अगर मैं बात करूं यार इसके HDD की तो यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा HDD का स्लॉट मिल जाता है, तो आप चाहो तो एक्स्ट्रा HDD स्लॉट लगा सकते हो। इन वन शॉट आपको कभी भी स्टोरेज की प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। एंड गाइज यहाँ पर आपको 15.6 इंचेस का एक फुल HD IPS LED बैकलाइट के साथ इसकी डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 144 हर्ट्ज़ पे बेस्ड है। गाइज अगर मैं बात करूँ इसकी कलर एक्यूरेसी की तो इसमें आपको 63% sRGB और 45% NTSC देखने को मिलता है। सो गाइज ये लैपटॉप गेमिंग के पर्पज से बहुत ज़्यादा बेस्ट है, खुशी आप इसके साथ जा सकते हैं। एंड गाइज ये लैपटॉप या 48W एंड 150W AC अडैप्टर के साथ आती है। तो देखा जाए तो यार गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से ना तो ज़्यादा है ना तो कम है, मतलब मीडियम है, ऑन एवरेज है। बात करूँ अगर इसकी बैटरी बैकअप की तो यहाँ पर आपको 1 से 1.5 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल सकता है ऑन गेमिंग मोड, बाकी आपको 3 से 4 घंटे मिल जाएंगे अगर आपको जनरल काम करते हो तो। तो गाइज पोर्ट्स में तो यार Asus वालों ने कुछ भी कमी नहीं करी है। इसमें आपको एक HDMI पोर्ट, एक RJ45, 3 USB टाइप ए, एक USB टाइप सी और यहाँ पर ऑडियो कॉम्बो जैक अलॉन्ग विद किंगस्टन लॉक देखने को यार मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। अगर मैं बात करूँ यार कनेक्टिविटी की तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट Wi-Fi 6 एंड Bluetooth 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड गाइज आपको इस लैपटॉप में एक RGB कीबोर्ड भी देखने को मिलता है जो कि सिंगल जोन है। और गाइज इसमें WASD भी हाईलाइटेड है, तो आप समझ सकते हो कि एक गेमिंग लैपटॉप के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। इसकी जो स्पीड है वो 3 ms दी गई है एस ऑफिशियली। सो गाइज इस कीबोर्ड से आपको किसी तरह का भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। सो गाइज फाइनली अगर मैं थर्मल्स की बात करूँ तो यार यहाँ पर थर्मल्स बिल्कुल भी अच्छे प्रोवाइड नहीं कर गए हैं यार, मैं इसको बोल सकता हूँ बिलो एवरेज है। इसमें आराम से यार 80 से 90 डिग्री सेल्सियस का मतलब टेम्परेचर टच कर जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ यार कि इसमें टेम्परेचर इशूज़ बहुत ज़्यादा होने वाली है, हीटिंग इशूज़ बहुत ज़्यादा आने वाली है। अलॉन्ग विथ यार इसमें i5 10th जनरेशन देखने को मिल रहा है यार, तो हीटिंग इशूज़ बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस लैपटॉप को खरीदने वाले तो साथ में एक AC भी खरीद लेना, अदरवाइज यार एक और भी आता है एक छोटा सा स्टैंड जो कि यार 2-3 हज़ार में मिलता है, तो आप उसके साथ भी जा सकते हो अगर आपका बजट कम है तो। सो गाइज इसके थर्मल्स को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। गाइज इसके सबसे बड़ी कौन यार इसकी थर्मल्स ही है। तो यार थर्मल्स मतलब कि अगर आप इसको कम करना चाहो तो कूलिंग पैड आप लगा सकते हो, ओके, तो वो आपके लिए को करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे लगाना पड़ेगा, ओके। तो बाकी सब यार इसमें बहुत बेस्ट है, अगर आप जा सकते हो तो इस पर जरूर जाओ। अगर आपको अर्जेंटली कोई लैपटॉप खरीदना ही है तो आप इसके साथ जा सकते हो, नो डाउट इन इट। सो यार आज के लिए वीडियो बस इतना ही, आपको कैसा लगा और क्या आपके वैल्यूएबल सजेशन है मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।